तेनजिन इन्ना अलोंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नागालैंड में वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही बड़े बड़े मंत्रालय भी उनके पास हैं। जरा जानते हैं अब की बार क्या फिर से रिपीट होगी बीजेपी और एनडीपीपी की सरकार। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और सर, आपके तो जो ट्वीट्स हैं वो कमाल करते हैं और धूम मचा रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है नागालैंड को लेकर, सबसे पहला सा, क्या आप लोगों की जीत हो रही है? कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर लग रहा है कि यहाँ की जनता आपको वोट करेगी? जीत क्यों नहीं होगा, मोदी जी की सरकार की आशीर्वाद है। यहाँ एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन दोबारा दोहराया जा रहा है। प्रीपोल अलायंस इस राज्य में दूसरा बार हो रहा है। 2018 में एक बार हुआ था और अभी 2023 के लिए हो रहा है। और यहाँ रियो साहब की अगुवाई में एनडीपीपी और बीजेपी का सरकार चलेगा। और डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, शांति सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ बीजेपी और एनडीपीपी की सरकार चलाने के समय में यहाँ शांति स्थापित हुआ है। और जितने भी गुटों के साथ भी हो या हमारी रिपब्लिक हो जी, यहाँ बहुत अच्छी तरह से बढ़ोतरी किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गांव-गांव में पहुंचा है। और एक बार में तो सब कुछ नहीं हो सकते हैं, मगर यहाँ डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछली बार हमने देखा था बीजेपी ने अब तक के नागालैंड के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। इस बार क्या आप उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे, 12 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। आपके ऊपर बड़े बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत ज्यादा है। एक तरफ गृहमंत्री आते हैं आपकी तारीफ करते हैं, हिमंता विश्व शर्मा असम के सीएम आकर तारीफ करते हैं, पीएम की भी यहां पर रैली होने वाली है। वो लोग हम लोगों का बड़े लीडर है, नेताएं हैं। वो लोग हर एक कार्यकर्ता को तारीफ करते हैं, हम भी उनमें से एक है। वो लोग देखते हैं कि मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ नागालैंड के बहुत सारे कार्यकर्ता है जो मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों का अगुवाई हमेशा रहते हैं हम लोग। सर, जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आ रही थी तो बहुत सारे लोगों ने आपके लिए सवाल भेजा था, ये पूछते हुए इतने सारे जो आपके चुटीले ट्वीट्स आते हैं, ये आप खुद करते हैं या आपने कोई टीम बनाकर रखी हुई है इसके लिए? नहीं, पहले तो एक टीम तो जरूर है। हाँ, मगर उसमें क्या होता है, हम लोग उस व्यक्ति के ऊपर ही करना पड़ेगा ना जी। सो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर या हम कुछ चीजें हैं उन चीजों को हम उन लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं और उन चीजों को हम लोग उस एक तरीका से लेके चलते हैं, एक नैरेटिव को लेके चलते हैं। और आजकल राजनीति में ऐसा बात है कि दूसरों की बुराई करते रहते हैं हम लोग। हाँ, अपने आप के थोड़ा बहुत तगड़ी खींचे तो अच्छा लगते हैं, इंस्टेड ऑफ किसी और की गलत बोले या ये करे, हम लोग सेल्फ डिप्रिशिएटिंग थोड़ा बहुत हंसी आ जाती है उसमें। हाँ, आपका एक वीडियो जो सबसे पहले वायरल हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग ये जानने लगे आपके बारे में, लगातार गूगल पे आपके नाम से सर्च होने लगे, जब आपने कहा था कि छोटी आंखों होने का बहुत फायदा होता है, आंखों में मिट्टी भी नहीं जाती है और मंच पर बैठे बैठे सो जाओ तो फर्क भी नहीं पड़ता है। उसका दो तरफा वाला बात है, छोटे आंख होने से फायदा तो है ही। हाँ, हम लोगों का संतोष जी बहुत लंबा लंबा बैठा के रखते हैं हम लोगों को और संगठन का काम बहुत होता है, मगर उसमें एक टिप्पणी दिया था, वही बात है, दूसरा कोई और बात नहीं है। और लोग हम लोगों को चिंकी बोलते, चाइनीज बोलते, छोटे आग वाले, ये सब बात होते रहते हैं, मगर छोटे आँखों का फायदा बहुत है। वो आज विपरीत तरीका से हम लोग सब चीजों को नहीं बोल सकते। और भी बहुत सारे, मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे को आपको पकड़ा दो तो हर मुद्दे पर आप एक चुटीला सा उसमें व्यंग जोड़ देते हैं। इतनी अच्छी भाषा, खासतौर से हिंदी को लेकर अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी हिंदी इतनी अच्छी होती है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे सर? आपकी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई है? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो यहाँ ही ज्यादा हुई। हाँ, मगर हमारे देश की विभिन्न इलाकों में मैं रहा हूँ और अलग अलग जगह में हिंदी भी थोड़ा अलग अलग होता है। हाँ, वो अलग बात है कि हिंदी हमारे देश की बहुत लोग बात करते हैं, उस भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाते हैं और इन चीजों का उपलब्धि है। और हम लोग हर एक चीज में एक खुशी देखना चाहिए जी, हर एक चीज में मुस्कान की एक वजह देखना चाहिए, हर एक चीज में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ गलत निकाले, कुछ विपरीत बातों को निकाले तो नहीं होगा जी।
हम लोग जिंदगी थोड़ा बहुत जीना है, अभी तो आधा तो हो गया, आधा जिए तो जिए, राजनीति में आ गया भगवान की कृपा से, और हमारी भाजपा जो है काफी सख्त पार्टी है, तो थोड़ा बहुत हंसी खुशी लेके चले। आपका एक और फोटोग्राफ है जो बहुत अभी वायरल हो रहा है, आपने हेमंता दा का हाथ पकड़ा हुआ है और उस पर एक शख्स ने कहा है कि इतने जबरदस्त तरीके से तो मेरी पत्नी भी मेरा हाथ होल्ड नहीं करती है, तो फिर आपने उस शख्स को कहा है बीजेपी ज्वाइन कीजिए पार्टी, और आपने खुद कहा है कि आप उनका हाथ ज्यादा अच्छे से होल्ड करेंगे। अलोबो नागा जिसने ट्वीट किया, ही इज वन ऑफ द यूथ आइकन ऑफ नागालैंड, नोटिस के लिए भी हो, वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, उन्होंने जब वो ट्वीट किया उसका फिलहाल कुछ महीने पहले ही शादी हुआ है, तो उसको सोचना चाहिए कि उसका पत्नी और वो दोनों के बीच में हाथ इतना मजबूत से क्यों नहीं पकड़ रहे। भाजपा में तो हमारे जितने भी बड़े नेता लोग हैं, हेमंता दा बोलो या अमित शाह जी बोलो, मोदी जी बोलो, संतोष जी बोलो, नड्डा जी बोलो, देखो हम लोग हर एक दूसरों को उत्साहित करते हैं। जब हमारे नेता हमारे हाथ पकड़ के चलते तो हमको गर्व महसूस करते हैं कि हमारे इतना बड़ा नेता होने के बावजूद हम एक छोटा सा राज्य से है, फिर भी हमें बोलते चलो चलो, तो हम लोग उसमें एक मनोबल बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को आप दूसरा पार्टी में नहीं देखेंगे। ठीक है, दो आखिरी के सवाल, मुझे पता है कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत सारे लोग मुलाकात करने के लिए बैठे हुए हैं, दो आखिरी सवाल, आपकी शादी को लेकर भी बड़े सारे सवाल, उस पर भी आप व्यंग कसते रहते हैं, लोग पूछते हैं कि शादी कब करेंगे आप। वो मुझे खुद मालूम नहीं। तो समय देखेंगे, shaadi.com वाला पूरा स्पॉन्सर करेगा बोला है। हाँ, उन्होंने कहा है आपसे मित्तल जी, तो बातचीत चल रही है उसको लेकर आगे। हम दोनों ट्विटर में तो वार्तालाप होते रहते हैं, मगर एक दिन जाके मिलूंगा चुनाव के बाद। चुनाव के बाद क्या शादी के लिए? नहीं नहीं, बात करेंगे उनके साथ, बड़े आदमी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप ही का ट्वीट है और आपने हाथ बढ़ा रखा है किसी के आगे और लिखा हुआ है किसी ने सच ही कहा था कि हाथ लंबा होना चाहिए, बाकी तो लोग खुद ही समझदार हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कानून के हाथ है या किसके हाथ है ये? सबके हाथ लंबा होना चाहिए। हम जब चुनाव में चलते हैं और कैंपेन करते हैं, हम एक घर में चल रहे थे, हमारी वहाँ जो उस गाँव में पार्टी का एक घर है, तो जब उनके घर में चल रहे थे वो लोग हमारी तरफ हाथ बढ़ाने के बदले हम अपने हाथ को उनके तरफ बढ़ाए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम उनके पास पहुंचना चाहिए, हम उनके पास पहुंच के उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। वो लोग 5 साल तक हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल। कार्यकर्ता क्या होता है, उसको कुछ चाहत नहीं है, उसका चाहत यही है कि उनका व्यक्ति जो है नेता बने, वो उनके लिए काम करे, उनकी गाँव में डेवलपमेंट लाए, उनके गाँव में मोदी जी का हर एक कार्यक्रम को पहुंचाए, तो वो खुशी है। तो हम लोग उन चीजों को लेके हाथ बढ़ाते हुए चलते हैं, आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमारे जो लाखों की तादाद में दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, नागालैंड को लेकर एक समय में बहुत सारी भ्रांतियां भी थी, हालांकि समय के साथ वो दूरी पटी भी है, दिल्ली से भी दूरी बहुत ज्यादा थी, दिलों के बीच में भी, उसको भी पाटने का काम आप लोगों की ओर से किया गया है। आप लोग, अगर मैं यहाँ पर बात करूं जनजातीय आबादी का क्या शेड्यूल होता है, उनको और ज्यादा विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए खास तौर से क्या काम आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं? आप शिक्षा, यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। आप जानते होंगे कि 80% से अधिक यहाँ का लोग एजुकेटेड है और बहुत सारे लोग नौजवान जो है यहाँ से बाहर जाता है, बिल्कुल, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, शिलोंग गुवाहाटी जाते हैं। यहाँ का शिक्षा का जितने भी काम है काफ़ी बड़ा है, अच्छे स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस जो है एक्रीडिटेशन हो चुका है और प्रोफेशनल कॉलेजेस दे रहे हैं। तो भारत सरकार मोदी जी के अंदर में जो भी नागालैंड में उन्नति हो रहा है वो शिक्षा की माध्यम बहुत आगे बढ़ चुका है और यहाँ के लोग हम समझते हैं कि यहाँ पढ़ाई करेंगे, यहाँ अपने स्ट्रीम्स जो भी है यहाँ मिलेंगे और वो लोग को नागालैंड कैन बिकम ए हब ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आपका शेड्यूल क्या रहता है इस समय खासतौर से चुनावों के दौरान, आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, आपके बारे में हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहेंगे। चुनाव का शेड्यूल नहीं रहने ही चुनाव है जी, अभी कौन सा गाँव में जाए, जब तक अच्छा यहाँ चुनाव का इलेक्शन का जो भी विभाग है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं।
गांव-गांव जाते हैं, कैंपेन करते हैं हम लोग, घर घर जाते हैं और गांव में जाके विलेज काउंसिल्स को मिलते हैं, गांव के लोगों को मिलते हैं। हम लोग एक एजेंडा को लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को गिराना है, किसी को वो करना है, वो बात नहीं है। भाजपा के जितने भी विधायकगण और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक एजेंडा को लेके चल रहे हैं। एनडीपीपी बीजेपी एक एजेंडा को लेके चल रहे हैं। एजेंडा क्या है, हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको समाधान करने के लिए भारत सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, नड्डा जी के साथ बात करके हम लोग एक साथ चल रहे हैं। यहाँ का उन्नति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों का उन्नति के लिए हम लोग एनडीपीपी बीजेपी का गठबंधन हुआ है। रीजनल पार्टी विथ नेशनल एस्पिरेशन, दोनों को मिला के एक जुट करके हम लोग नागालैंड में बहुमत लाएंगे और सरकार बनाएंगे। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की, यहाँ से कैसे स्टार्टिंग हुई? यहाँ मैंने डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाई किया, उसका बाद सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स का पढ़ाई लिखाई किया जी, उसका बाद थोड़ा बहुत पुणे में पढ़ाई लिखाई किया। यही है पूरा आपका। चलिए बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस बातचीत करने के लिए। देखिए नागालैंड में बीजेपी को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, 12 से ज्यादा सीटों पर इस बार वो दावा कर रही है, एनडीपीपी के साथ मिलकर अपने कामकाज गिना रही है। अब यहां के अध्यक्ष जी के दावे में कितना दम है बीजेपी के लिए, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। 27 तारीख को यहां पर पड़ेंगे वोट। कैमरामैन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, नागालैंड आज तक। ऐसे ही आई मीन वो जैसे इंसर्ट करने के लिए प्रोग्राम में टीवी में था। सर मैं पहली बार आई और मैंने आपको सच बताया बहुत ऑनेस्टली कि मैंने अपने ऑफिस में बस यही कहा था, मैंने कहा कि नहीं सर वो, फिर मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और आपके पूरे ट्वीट मैंने अपने बॉस के सामने रखे, मैंने कहा इनका इंटरव्यू करूंगी मैं जाके। बट थैंक गॉड कि 12 बजे मेरी फ्लाइट है और उसके ठीक पहले आपसे मुलाकात होगी। हाँ नहीं, मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, इलेक्शन का वक्त है ये। दो तीन कॉल आए, हाँ मैंने कॉल भी किया था बहुत सारे मैसेज। अगर वादा करेगा तो निभाना पड़ेगा। आप कुछ गाना वाना गाते हैं? कुछ तो गाते होंगे सर, आपको देख के लगता है कि कुछ तो आप गाते होंगे। बिल्कुल इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद गाएंगे। अभी तो चुनाव है, बहुत सारे सोच विचारों को बहुत सोचना पड़ेगा लेकर आ रहे हैं। सर आपके, लेकिन यहाँ के जो कॉलेज के बॉय, कल मैं गई थी कॉलेज में, वहाँ पर 18+ अच्छा है कि यंग जनरेशन जो है, मतलब वो देख रही है, सुन रही है। तो जितना देखो इंसान है, हम लोग कमियां हैं हर एक, बिल्कुल, मगर हम लोग जो भी मंत्रालय लेते परफॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल, और काफी हम लोग ने अभी भी तो कल टिप्पणी मिला और नया नया बात सुनने को मिल रहा है। तो ये बातें हम लोग इलेक्शन चुनाव का मुद्दा, पिछली बार हमने देखा था क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक हिस्से से बीजेपी आरएसएस के विरोध में एक आवाज उठी थी, इस बार भी कुछ दबे सुरों में इस तरह की आवाजें सुनने को मिल रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखो, हर एक व्यक्ति का अपना सोच विचार है, हर एक संगठन का एक सोच विचार है। भाजपा इंक्लूसिव पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और चुनाव मुद्दाओं में चुनाव होता है। लोगों के पास, लोगों की उन्नति के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मुद्दे लाए जाते हैं और वही मुद्दा होना चाहिए। आप हिंदू हैं, मैं ईसाई हूँ, वो आप और हमारा पर्सनल बातें हैं ना? हम, आप जिस धर्म से आप हैं, मैं उसको आदर करता हूँ। हम जिस चीज को मानते हैं आप हमें आदर करें, तो उन चीजों को लेके चलना है। मगर कुछ लोग हैं जो इन सब चीजों को मुद्दा बना के आते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि वो सत्य नहीं है। तो आपको लग रहा है कि मतलब उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, लोग समझ में आते हैं। भाजपा का गठबंधन सरकार यहाँ 5 साल से चल रहा है, 2003 से यहाँ भाजपा रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन करके चल रहे। भाजपा विकास का एक वजह बना है नागालैंड के लिए, उन्नति का वजह बना है। भाजपा नागा लोगों के लिए अच्छे काम किया है, हर एक जगह में, हर एक कार्य में। तो आज अगर चुनाव के समय में ही इन चीजों को निकाल के चलते हैं, तो लोग बहुत बड़ा मालिक है, लोग समझते हैं कि ये सत्य बात नहीं है।
लोगों पर इसका असर नहीं होगा आपको लगता है? देखो, कुछ लोगों के ऊपर तो असर होगा, क्योंकि धर्म जो है एक बहुत इमोशनल चीज हो जाते हैं, बिल्कुल, मगर उन चीजों उन लोगों तक हम लोगों का कर्तव्य बनते हैं कि इन आवाजों को पहुंचाए, कि आज अगर हम लोग सब चीजों को लेके चले तो वो गलत है। आज हम अगर जो धर्म को लेके चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं उन लोगों के खिलाफ अगर हम लोग बोलने लगे वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो सोच विचार में वो लोग चल रहे हैं और वो लोग जो कह रहे हैं वो एक्चुअली धर्म का मालिक कोई नहीं है। बिल्कुल, धर्म का मालिक सब लोग हैं। हम अपने खिलाफ क्यों बोले? वो लोग अगर कुछ बात रखते हैं कि ये बीजेपी आ जाएगा तो प्रोसिक्यूशन होता है, क्रिश्चियन लोगों के साथ गलत काम करते हैं। बीजेपी नागालैंड में भी है, कौन सा गलत काम किया है? तो आपको लग रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का साथ बीजेपी को मिलेगा? हाँ, मोदी जी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिल रहे हैं, पोप के साथ मिल रही है। उन्होंने कहा है कि आप चर्च के साथ संबंध बना के रखिए, किस तरह हम लोग एक दूसरों की सोच विचारों को एक दूसरों के साथ वार्तालाप करें, डिस्कोर्स करें, डिस्कस करें, उसके बाद एक साथ लेके चलना है। तो वही चीज हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ और बात नहीं है। और ये तो आप जानते हैं, चुनाव खत्म, ये बात भी खत्म। यकीनन धर्म के मुद्दे हर एक चुनाव के दौरान हम देखते हैं, हालांकि बीजेपी के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगते रहते हैं। चलते चलते सर, एक आखिरी बात आपसे मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा सा पर्सनल, क्या आप कोई गाना भी गाते हैं? आप किसके फैन हैं? क्या फिल्में भी देखने के शौकीन हैं? हिंदी फिल्में क्या आपने देखी हैं, अगर उसके बारे में कुछ बता पाए? हिंदी फिल्म तो देखता हूँ। कौन सी पसंद है? नहीं, एक है अमिताभ बच्चन की कोई भी पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो तो पक्का बात है, बचपन से देख के आया है। और शाहरुख खान भी तो मस्त है, सलमान खान। शाहरुख खान का बेशरम रंग अभी बहुत धूम मचा रहा है और 1,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली विश्व की वो पहली फिल्म बन गई है इनकी, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो वो देखिए, आपने नहीं देखी अभी? चुनाव की बात देखेंगे। कोई चलते चलते गाना गुनगुना देंगे जो आपका फेवरेट हो बॉलीवुड का? अभी मैं गाएंगे तो चुनाव का माहौल खराब हो सके। चुनाव के बाद गाएंगे, माहौल अच्छा रहेगा। ठीक है, चुनाव के बाद आज तक के दर्शकों को सर के गाने का इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।